वेलकम टू रेडॉन एंटरटेनमेंट। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रोजी अली। इस समय वेडिंग सीज़न चल रहा है, यही वजह है आम हो या ख़ास सभी शादी में बिजी हैं और जमकर शॉपिंग कर रहे हैं और अपने नज़दीकी की शादियों को खूब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बॉलीवुड में कई सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी शादी आज तक कोई नहीं भूल सका है। जी हाँ, हम शादियों में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, खूब सारे फ़ोटो क्लिक्स भी कराते हैं और आकर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो वहीं बॉलीवुड में कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी शादी बेहद यादगार रही है, या फिर ये कह लीजिए कि इनकी शादी सबसे महंगी थी जिसकी वजह से ये शादी सबसे ज़्यादा यादगार रह गई। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे कपल्स की शादी जो कि बेहद महंगी थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा अपनी शादी में किसने पैसे खर्च किए हैं और कितने करोड़ों रुपयों से इन्होंने अपनी शादी की है। ये जानकर आपको हैरानी ज़रूर होगी। तो चलिए आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही कपल्स दिखाते हैं जिन्होंने पानी की तरह अपनी शादी में पैसे को बहाया है और एक शानदार शादी करके हमेशा के लिए इतिहास रच दिया है जिसे कभी नहीं भूला जा सकेगा। तो चलिए बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही हाई फाइव मैरिज आपको दिखाते हैं। प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल आइकन है तो निक जोनस इंटरनेशनल पॉप स्टार हैं। दोनों ने साल 2018 में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में शाही शादी की थी। शादी के तमाम फंक्शन पूरे 5 दिन तक चले थे। इस पैलेस में सभी मेहमानों के 5 दिन के रुकने का खर्च करीब 3.5 करोड़ रुपए आया था। रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका और निक जोनस की शादी में 105 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन है तो रणवीर सिंह कहलाते हैं हिट की गारंटी। छप्पर फाड़ कमाई कर रहे इन सितारों ने अपनी शादी को साल की सबसे महंगी शादी बना दिया था। इटली के ले कोमो में जिस विला में दीपिका और रणवीर की शादी हुई थी वहां सिर्फ एक रात ठहरने के ही 24,75,000 रुपए थे। इस शाही शादी में 95 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की शादी भी इटली में हुई थी। ये शादी बेहद शानदार थी। इस शादी में अनुष्का शर्मा के ब्राइडल लहंगे, गहनों और इंगेजमेंट के रिंग को लेकर खूब चर्चा हुई थी। इस शादी में करीब 90 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। राज कुंद्रा अपने खूबसूरत बीवी शिल्पा शेट्टी पर करोड़ों के गिफ्ट्स लुटाते हैं, तो जरा सोचिए अपनी शादी में इन्होंने कितने रुपए खर्च किए होंगे। गेस्ट लिस्ट से लेकर वेडिंग ड्रेस और रिसेप्शन तक इस जोड़े ने इसे यादगार बनाने के लिए सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए थे। इस जोड़े की शादी में 80 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। माइक्रोमैक्स के CEO राहुल शर्मा से शादी करके बॉलीवुड एक्ट्रेस असीन ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। लेकिन असीन और राहुल की दिल्ली में हुई शादी उस साल की सबसे महंगी शादी थी। राहुल ने असीन को सगाई में 5 करोड़ की अंगूठी पहनाई थी और ये शादी करीब 50 करोड़ के खर्चे में बैठी थी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने साल 2007 में शादी की थी। 13 साल बीत जाने के बाद भी इनकी शादी बॉलीवुड की सबसे महंगी और शानदार शादी गिनी जाती है। बिग बी के बंगले प्रतीक्षा में हुई इस शाही शादी में 40 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और शादी में गिने चुने मेहमानों को ही इनवाइट किया गया था। बॉलीवुड के क्यूट कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने महाराष्ट्रियन और कैथोलिक रीति रिवाज के साथ शादी की थी। 5 दिन तक इनकी शादी के फंक्शन चले थे। रितेश और जेनेलिया की शादी इतनी रॉयल थी कि आज भी इनकी शादी के किस्सों को याद किया जाता है। ये शादी करीब 25 करोड़ रुपए के खर्च में थी। पटौदी के नवाब सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपनी शादी को रॉयल वेडिंग बनाने के लिए दिल खोल के खर्चे किए थे। तमाम फंक्शन 5 दिन तक चले थे। अपनी शादी को हर तरह से खास बनाने के लिए इस कपल ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सोनम कपूर बॉलीवुड की फैशनिस्ट कही जाती हैं। अपनी शादी के मौके पर कपड़ों से लेकर गहनों तक पर सोनम कपूर ने जमकर पैसे खर्च किए थे। अनिल कपूर ने भी अपनी लाडली की शाही शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। ये शादी 13 करोड़ के लगभग बताई जाती है। देखा आपने, आपके फेवरेट सुपरस्टार्स ने अपनी शादी में किस तरह से पानी की तरह पैसे को बहाया है और अपनी शादी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इनमें से आपको किसकी शादी सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल रेडॉन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। इसके साथ ही नीचे लगी हुई घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।